अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, डीजे वॉइस चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे यूरोपीय यूनियन के लिए अभी से नई स्कीम आना शुरू हो चुकी हैं, वीज़ा ऑफ़र आना शुरू हो गई हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इस वक्त इस दौर में टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ वो किसी भी माशरे के लिए तरक्की का एक बुनियादी मकसद है। जैसा कि यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप का फॉरेन का जो वीज़ा पॉलिसी था वो चेंज होने की वजह से, ख़त्म होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुई थी वो टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ हुई थी। तो फ्रेंड, आज की एक लेटेस्ट अपडेट आई है यूके की जानिब से। तो फ्रेंड, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड, अभी कल की ये न्यूज़ थी कि उन्होंने लॉबिंग करना शुरू कर दिया है जो बाइडेन के लिए, कि जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो फॉरेन इमिग्रेशन की ये जो पॉलिसीज़ हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने ख़त्म कर दी थी फॉरेनर के लिए, फॉरेनर के वीज़ा की, तो वो अब आते ही अपने ऑर्डर्स के ज़रिए ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है उन वर्कर्स को, यानी कि फॉरेनर को लेना चाहते हैं जो उनकी कंपनी के लिए मेन बुनियादी काम करते थे। लेकिन इस पाबंदी के बाद वो अब इनसे काम नहीं करवा सकते या उनको वीज़ा इशू नहीं कर सकते। यही वजह है कि अब यूके में भी ब्रेग्ज़िट हो गया, तो ब्रेग्ज़िट के बाद जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होगी कंपनी वो टेक्नोलॉजीज़ की कंपनी होगी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन से बेतहाशा लोग ऐसे हैं जो कि यूके में टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ में काम करते थे, ईयर टू ईयर अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करवाते थे, लेकिन ब्रेग्ज़िट के बाद वो ऐसा नहीं कर सकेंगे, तो उनको नए पॉइंट बेस सिस्टम पर आना पड़ेगा। इन टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ ने 5 साल का वर्क परमिट इशू करने का ऐलान किया है जो कि जनवरी से शुरू हो जाएगा। ये बेसिकली दो तरह के लोगों के लिए होगा, एक वो जो अपनी फील्ड में सेटल वेल होंगे, यानी कि काम ऑलरेडी कर रहे होंगे, उनके पास एक्सपीरियंस होगा, उनके लिए है, और दूसरी कैटेगरी में वो लोग जो ताज़ा फ्रेश स्टडी मुकम्मल करके एज ए ट्रेनिंग जॉब करना चाहेंगे उनके लिए होगा। और ये 5 साल का वीज़ा दोनों कैटेगरीज़ के लिए सेम होगा, इसमें वो अपनी फैमिलीज़ के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, और मज़ीद ये वीज़ा एक्सटेंडेबल होगा, यानी कि 5 साल के बाद ये वीज़ा दोबारा एक्सटेंड हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छी ऑफ़र है यूरोपीय सिटीजन्स के लिए, और आने वाले दिनों में मज़ीद वीज़ा और मज़ीद स्कीम्स की आने की उम्मीद है। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट थी। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर किसी भाई का कोई सवाल है तो वो ज़रूर हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।